मुकेश अंबानी की इनकम का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक मुकेश अंबानी लगभग 2 करोड़ रुपया कमा चुके होंगे। आजकल दोस्तों हर तरफ मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के चर्चे हैं, जिसमें दुनिया भर के सेलिब्रिटीज, दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स, क्रिकेटर्स और मूवी स्टार्स शादी में शामिल थे। लेकिन ये तमाम स्टार्स फ्री में नहीं बल्कि भारी पैसे लेकर गए हैं। सिर्फ जस्टिन बीबर की ही बात की जाए तो उन्होंने कुछ ही मिनट्स की परफॉर्मेंस के 80 करोड़ रुपए लिए हैं। दोस्तों अब आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर इंसान तो है, लेकिन इन्होंने इतना सारा पैसा आखिर कमाया कैसे? दोस्तों इनकी टोटल नेट वर्थ 123 बिलियन डॉलर है, जो इंडियन रुपए में लगभग 7.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, जो इसे एशिया का सबसे अमीर इंसान बनाता है। दोस्तों मुकेश अंबानी जो स्टार्टिंग से ही सक्सेसफुल आदमी रहा है, वही दूसरी ओर उनके भाई अनिल अंबानी का दिवालिया क्यों निकला हुआ है? आइए देखते हैं मुकेश अंबानी की सक्सेस की कहानी। बस बने रहे मेरे साथ वीडियो के आखिर तक। दोस्तों अपने जिंदगी के किसी भी हिस्से को उठाकर देख लो, कहीं ना कहीं आप मुकेश अंबानी को प्रॉफिट दे ही रहे होंगे, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर हो या फिर पेट्रोलियम, क्रिकेट या रिटेल सेक्टर। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज हर जगह फैली हुई है, लेकिन इस सब की शुरुआत मुकेश अंबानी ने खुद नहीं की बल्कि उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने की थी। कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों 1950 में धीरूभाई अंबानी गुजरात से एक अच्छी जॉब के लिए यमन चले गए। उन्होंने 8 सालों तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एक कारोबार में क्लार्क की नौकरी की और इस कारोबार को करीब से समझने की कोशिश की। 8 सालों के बाद 1958 में वापस इंडिया आए और इसने बिजनेस करने का सोचा। उन्होंने ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया, जिसे रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन का नाम दिया गया। शुरुआत में ये RCC कंपनी सिर्फ मसालों की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थी। वो इंडिया से मसाले खरीदकर उनको मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते थे। क्योंकि 8 साल तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने की वजह से धीरू भाई को इस बिजनेस का काफी एक्सपीरियंस था, इसलिए देखते ही देखते कामयाबी की सीढ़ियां आसानी से चढ़ता चला गया। लेकिन धीरू भाई बिजनेस को और भी बड़ा करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो चल ही रही है, अब क्यों ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कदम रखा जाए। 1966 में उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल्स के नाम से एक नई कंपनी शुरू की। उस वक्त कोटन पर इंडियन सरकार की तरफ से काफी रिस्ट्रिक्शंस थे, जिसकी वजह से पूरी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हलचल मची हुई थी। इसी दौरान धीरू भाई अंबानी ने कॉटन के बजाय सिंथेटिक टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल शुरू किया, यानी केमिकल प्रोसेस के जरिए कपड़े बनाए जाने लगे, जिससे न सिर्फ सरकार की पॉलिसीज से बच गए बल्कि कपड़े सस्ते होने की वजह से मार्केट में ज्यादा फेमस भी हो रहे थे। धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़ती चली गई, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और आम पब्लिक भी इसमें इन्वेस्ट करने लगे। रिलायंस इंडस्ट्री इतनी कामयाबी हासिल कर चुकी थी कि 1987 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल स्पॉन्सर भी रिलायंस के पास था। अब यहाँ पर एक चैलेंज ये था कि धीरू भाई अंबानी को टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स दूसरी इंडस्ट्रीज से खरीदने पड़ते थे, इसीलिए उन्होंने अपना पेट्रोकेमिकल बिजनेस स्टार्ट करने का सोच लिया और रिलायंस पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी उन्होंने कदम जमा लिए। 1986 में जब धीरू भाई अंबानी बीमार रहने लगे तो उनके दोनों बेटे अनिल और मुकेश अंबानी बिजनेस में उनकी हेल्प करने लगे, और जब तक धीरू भाई अंबानी जिंदा रहे दोनों बेटे उनके नीचे मिलकर काम करते थे। लेकिन 2002 में जब धीरू भाई की मौत हुई तो एक नया डिस्प्यूट सामने आ गया। धीरू भाई अंबानी ने मौत से पहले अपनी जायदाद की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं बताया था। अब उनके जाने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंट्रोल कौन संभालेगा? इसी सिलसिले में रिलायंस के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग की गई और उसमें फैसला हुआ कि ज्यादा कंट्रोल मुकेश अंबानी को दिया जाए, और यहीं से दोनों भाइयों के बीच रिश्ता बिगड़ने लगा। दोनों भाई आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे से बातचीत खत्म कर दी। लेकिन उनकी माँ से ये सब देखा ना गया और उन्होंने फैसला किया कि दोनों भाई बिजनेस को आधा आधा बांट ले और अपना अपना काम करे। बाद में 2005 में रिलायंस इंडस्ट्रीज को दो भाइयों में डिवाइड कर दिया गया। रिलायंस ऑयल गैस पेट्रोकेमिकल और मैन्युफैक्चरिंग मुकेश अंबानी के हिस्से में आए, और रिलायंस एनर्जी टेलीकॉम और रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी को मिले। इस तरह ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन दोनों भाइयों के बीच फिर भी नाराजगी चलती रही और कई बार ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। मुकेश अंबानी ने अपने हिस्से के बिजनेस में हार्ड वर्क करके बढ़ाना शुरू कर दिया।
उनके हिस्से में जो जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी आई थी, उन्होंने उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाकर उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को स्थापित करके उसे दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी बना दी। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस इंडस्ट्री में एक और नई रिफाइनरी को भी शामिल करके रिलायंस पेट्रोलियम का प्रॉफिट बढ़ा दिया। उसके बाद मुकेश अंबानी ने रिटेल इंडस्ट्री में भी कदम रख दिया और पूरे इंडिया में स्मार्ट बाजार के नाम से डिस्काउंटेड स्टोर्स और सुपर मार्ट्स खोले गए, जहां कस्टमर को जरूरत की तमाम चीजें डिस्काउंटेड रेट्स पर एक ही जगह पर मिल जाया करती थी। 2008 में जब क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई, तब मुकेश अंबानी ने आईपीएल की सबसे महंगी टीम मुंबई इंडियंस को खरीद लिया और ये टीम अगले कई सालों तक आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम रही। 2016 में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा और ये कदम इतना भारी था जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के दूसरे कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ने वाला था। मुकेश अंबानी ने जियो के नाम से एक मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया जिसमें कॉल्स और डेटा को पब्लिक के लिए फ्री कर दिया गया। लोगों ने दूसरे नेटवर्क्स छोड़कर जियो की सिम्स खरीदना शुरू कर दिए क्योंकि यहां सब कुछ फ्री में मिल रहा था। देखते ही देखते जियो के यूजर्स 450 मिलियन तक पहुंच गए और जियो ने जब 5G नेटवर्क लॉन्च किया तब यूजर्स की तादाद कई गुना बढ़ गई और जियो अब 6G टेक्नोलॉजी पर भी दुनिया की बड़ी कंपनीज के साथ मिलकर काम कर रहा है। जियो की सक्सेस इतनी ज्यादा थी कि दूसरी टेलीकॉम कंपनीज ने जियो पर केस कर दिया। उनका कहना था कि जियो अपने कस्टमर को सब कुछ फ्री दे रहा है, लेकिन फिर भी जियो की कैसे जीत हुई वो इस वीडियो में जाकर देखे। और जीत होने के बाद मार्केट में कंपटीशन खत्म हो रहा था। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जियो ने बाकी टेलीकॉम कंपनीज को किस हद तक हिट किया था और बाद में फ्री सर्विसेज खत्म करके बहुत ही कम चार्जे पर कॉल्स और डेटा प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, जिससे दूसरी कंपनीज पर काफी इफेक्ट पड़ा। आज 2024 में मुकेश अंबानी ने इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बनाने का भी ऐलान कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने अमेरिकन एंटरटेनमेंट जॉइंट डिज्नी के साथ $8.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। और इसी तरह पूरे भारत में हर सेक्टर पर किसी न किसी तरह मुकेश अंबानी अपना बिजनेस शुरू कर चुका है। आज मुकेश अंबानी की नेटवर्क $123 बिलियन से भी ज्यादा है, जो इंडियन रुपए में करीब 7.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है और इस हिसाब से ये दुनिया के 11वें सबसे अमीर इंसान है। दोस्तों, जाहिर है जब पैसे इतने ज्यादा हो गए तो खर्चे भी फिर इसी हिसाब से होते हैं। मुंबई में मौजूद मुकेश अंबानी का घर, जिसे एंटीलिया कहा जाता है, जो 27 फ्लोर की बिल्डिंग है, इसमें हर तरह का ऐसो आराम है जो हर अमीर आदमी सोख रखता है। हाल ही में अनंत अंबानी की हुई शादी तो आपको याद ही होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। एक तरफ मुकेश अंबानी के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ इनके छोटे भाई अनिल अंबानी हैं, जिनको आधी जायदाद तो मिली लेकिन आज उनका दिवालिया निकला हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अनिल अंबानी ने तेजी से तरक्की पाने वाली स्ट्रेटेजी अपनाई, जिसमें हर सेक्टर्स में वो एक साथ तेजी से आगे बढ़ना चाहते थे। इस स्ट्रेटेजी की वजह से उनके खर्चे बढ़ गए, जितना खर्चा हुआ उतना प्रॉफिट कभी हुआ ही नहीं। दूसरा रीजन ये था कि अनिल अंबानी का ग्रुप इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री के साथ कंपटीशन में था और रिलायंस कम्युनिकेशन मार्केट में मौजूद दूसरे कंपनी से मुकाबला नहीं कर पाई और पूरी तरह लॉस में चली गई। तीसरा ये है कि अनिल अंबानी की इन्वेस्टमेंट करने की पसंद और उनकी टाइमिंग हमेशा गलत साबित हुई और सबसे ज्यादा अनिल अंबानी के ग्रुप ने खुद को डाइवर्स नहीं किया, यानी इस ग्रुप की ज्यादा इनकम हाई रिस्क वाले सेक्टर से जुड़ी थी, जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकम्युनिकेशन। जब बिजनेस बड़े पैमाने में फैला होता है तो बुराई आने के वक्त उनके पास किसी न किसी सेक्टर का सहारा मौजूद होता है। इन सब मामलों के साथ साथ अनिल अंबानी बहुत सारे लीगल मामले में भी फंसे रहे, जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन ने एरिक्सन कंपनी के कुछ पैसे वापस करने थे और ये मामला मुंबई कोर्ट तक आ पहुंचा। कोर्ट ने अनिल अंबानी को एक महीने के अंदर एरिक्सन का सारा मामला क्लियर करने का ऑर्डर किया और अगर ऐसा ना किया गया तो एक महीने के बाद अनिल अंबानी को अरेस्ट किया जाना था, लेकिन ऐन मौके पर बड़े भाई मुकेश अंबानी ने एंट्री की और पैसे चुकाकर अनिल अंबानी की बेल करा दी। ऐसे करते करते आज अनिल अंबानी की टोटल नेटवर्थ करीब 24 करोड़ रुपए ही है। दोस्तों, ये थी मुकेश अंबानी की कहानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस करें, ताकि सबसे पहले आप मेरे वीडियो देख सके। और दोस्तों, टाटा की शुरुआत कैसे हुई थी जिसके बारे में इस वीडियो में बताया है, जाके जरूर देखें, आपको जरूर पसंद आएगा। हम मिलते हैं उसी वीडियो में।